वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर, श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले आज बड़े मंदिरों में करेंगे पूजा, कंबा रामायणम का पाठ भी सुनेंगे वज़ीर-ए-आज़म। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की रस्म का आज है पांचवा दिन। मूर्ति को सुबह चीनी और फलों के साथ रखा जाएगा, शाम को खुशबूदार फूल चढ़ाए जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह 9 बजे से सीलबंद वजूखाने की सफाई होगी शुरू। सफाई में दोनों फरीक होंगे मौजूद, सफाई जिला इंतजामिया की निगरानी में दी जाएगी अंजाम। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज अपनी रिहाइश गाह पर ईडी के सवालों का देंगे जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एक मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने नावाबस्ता तहरीक इजलास में भारत को आलमी दोस्त दिया करार। गजा तनाजे पर किया इजहार तश्वीश, कहा कि दहशतगर्दी और यरगमाल बनाना किसी भी हाल में काबिले कबूल नहीं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत जीत के तय पुरअज़्म। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा मुकाबला, प्रणय का चीन के शी यू क्यू से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के कई अहम मंदिरों में पूजा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह तकरीबन 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म यहां मुख्तलिफ स्कॉलर से कंबा रामायणम भी सुनेंगे और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म दोपहर में रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुल मेघु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मंदिर में श्री रामायण पारायण प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में 8 मुख्तलिफ रिवायती जबानों में संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, आसामी, बंगाली, मैथिली और गुजराती में राम कथा में श्री राम की अयोध्या वापसी की कहानी सुनाएंगे। ये हिंदुस्तानी सकाफती अखलाकियात और जज्बात के ऐन मुताबिक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मरकज में है। वज़ीर-ए-आज़म श्री अरुल मेघु रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन की शाम में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल 21 जनवरी को धनुष कौड़ी के गोंडा रामा स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वो धनुष कौड़ी के करीब अरिचल मुनाई का भी दौरा करेंगे और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जगह है कि जहां राम सेतु बनाया गया था। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 तारीख से खसूसी रसूमात अदा की जा रही हैं और आज इसका पांचवा दिन है। आज सुबह शक्कर अधिवास और फल अधिवास होना है और इसके बाद शाम को पुष्प अधिवास का इनेकाद होना है। दीगर रिहाइश गाहों की तरह ही रामलल्ला की मूर्ति को भी कुछ वक्त के लिए मुख्तलिफ मवाद में रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर शक्कर अधिवास में मूर्ति को चीनी के साथ रखा जाएगा, फल अधिवास में फूलों के साथ और पुष्प अधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। रसूमात का इख्तिताम के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तमाम रिवायात के बाद प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम अभिजीत मुहूर्त में मुनाकिद की जाएगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से कबल अयोध्या में चारों तरफ खुशी का माहौल है। हमारे नुमाइंदे आरेंद्र प्रताप सिंह ने अयोध्या में एक भजन ग्रुप के साथ सरयू नदी पर कश्ती पर सवार होते हुए उनसे बातचीत की। इस वक्त अयोध्या धाम में सरयू नदी की शीतलता के बीच में मौजूद हूं इस नाव पर और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं।
अयोध्या में प्रेमचंद तिवारी जी जो कि भजन गाते हैं उनके साथ उनकी दो बेटियां हैं, आपका नाम आस्था और आप अपर्णा, और उसके अलावा हमारे साथ तबले पर संगत देने के लिए अमर सागर जी हैं और कुछ और लोग हैं जो कि अयोध्या के ही रहने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं और किस प्रकार से भजन के माध्यम से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारी है, आइए कुछ सुनते हैं। तिवारी जी कुछ ऐसा सुनाइए कि मन का भाव ही एक दिखाई पड़े कि हाँ भगवान राम आने वाले हैं। नदिया बहे जोर हमहूं के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहूं के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहूं के पार की है प्रभु, नदिया बहे जोर हमहूं के पार। तिवारी जी, नदियां बह रही है और 500 साल से सरयू नदी बह रही है, बहुत पानी बह गया, लेकिन अब 500 वर्षों के इंतजार के बाद में भगवान श्री राम के पुनः एक तरीके से आगमन का समय आया है, इस मौके पर किस प्रकार से भजन के माध्यम से उनके चरणों तक अपनी बात रखेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम के आने का इंतजार सबको है, आप अयोध्या वासी हैं मैडम, कुछ बताइए कितनी खुशी है मन में भगवान के आने की? खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है सर, राम के आने से, राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। नया महापर्व इस वक्त चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, मन के भाव दो शब्दों में कहिए फिर भजन से कहिए। श्री राम नाम के हीरे मोती, श्री राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम, लगाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, आवाज लगाऊं गली गली, के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये कोशिश लगातार हमारी जारी रहेगी कि आखिर अयोध्या से विविध रंगों को हम आप तक पहुंचाते रहें और ऐसे ही तमाम रंगों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका अपने बच्चियों के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा सहयोगी गौरव के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम सरयू नदी से। और अयोध्या शहर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस दौरान भगवान श्री राम और हनुमान जी को प्रसाद के तौर पर 13.5 लाख लड्डू और प्रमाणी नाम की किताब पेश की जाएगी। देखिए हमारी नुमाइंदा मेघना की खुसूसी रिपोर्ट। समारोह के पहले जो प्रसाद की तैयारी है वो की जा रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जा रहा है। प्रसाद में इस बार क्या खास है और कितनी बड़ी मात्रा में इसको बनाया जा रहा है, इसके ऊपर और बातचीत करते हैं। सर बताइए क्या क्या है इस बार खास, और हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जा रहा है, इस महाप्रसाद को बनाया जा रहा है। 13.5 लाख लड्डू है, हनुमान जी को और भगवान राम को प्रसाद लगेगा। महायोगी त्रिकालदर्शी महायोगी देवराह बाबा और देवराह हंस बाबा जी की तरफ से हनुमान जी को भगवान राम को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रसाद ऑफर करा जा रहा है, क्योंकि भगवान हनुमान जी ही इसके निर्माण करता है। हम बाबा जी को इसका चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं, उनकी जो प्रावाणी लिखी हुई है वो इसकी मूल स्क्रिप्ट है। और यही एक बात है, एक तो लड्डू प्रसाद है, दूसरा प्रावाणी प्रसाद है। बाबा जी की जो प्रावाणी की पुस्तक है उसका पुस्तक, उसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उस पर जो किताब है जो देवराह तत्व के द्वारा राम जन्मभूमि की मुक्ति, चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस।
तो वो इसमें इट विल बी कैप्ट इन दी बैग एंड दैट बैग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी स्पेशल इन्वाइटीज हु आर कमिंग ऑन 22nd टू दैट प्लेस आफ्टर दी पूजा एंड देयर आफ्टर इट विल गो टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिस्टर योगीज ऑफिस एंड ऑल हिज कैबिनेट कोलीग्स ऑल दी MLAs, MPs. और क्या समारोह में इन लड्डुओं को चढ़ाया जाएगा? हाँ, इनको चढ़ाया जाएगा एक चांदी के थाल में रख के मोहन भागवत जी के द्वारा वो वहाँ उपस्थित रहेंगे. वो बाबा जी के पास आते रहते हैं पिछले 25 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और भारत के अखंडता के लिए ही वो आते हैं. अखंड भारत का आशीर्वाद लेके हमेशा जाते हैं. वो प्रसाद उसमें से चढ़ाएंगे और उसके बाद भगवान राम को जब ये चढ़ जाएगा तो ये महाप्रसाद उसके उपरांत ये डिस्ट्रीब्यूट किया. साथ ही जो हलवाई हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं सभी काशी से आए हुए हैं और तकरीबन 15 दिनों की मेहनत से ये प्रसाद बना रहे हैं और आखिरी चरण में अब ये प्रसाद बनने का दौर है जो अब राम मंदिर तक पहुँचाया जाएगा और सभी में वितरित किया जाएगा. कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अयोध्या. वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वाकई सील बंद वजू खाने को आज सुबह 9 बजे से साफ किया जाएगा. कहा जा रहा है कि सफाई का काम 11 या 11:30 बजे सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा. वजू खाने में पड़ी मुर्दा मछलियों को बाहर फेंक दिया जाएगा. वजू खाने की सफाई के दौरान दोनों फरीक के दो दो नुमाइंदे मौजूद होंगे लेकिन वो जाली के अंदर नहीं जाएंगे. सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि हौज में मिली शिवलिंग जैसी शक्ल को कोई नुकसान ना पहुंचे और ना ही किसी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचे. सफाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे. इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने जुमेरात को हिंदू और मुस्लिम फरीकों के लोगों की मीटिंग बुलाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को वजू खाने की सफाई का हुक्म दिया था. कहा गया है कि वजू खाने की सफाई वाराणसी की जिला इंतजामिया की निगरानी में की जाए. 20 माह कबल 16 मई 2022 को यह दावा किया गया था कि वजू खाने में शिवलिंग जैसी शक्ल मिली है और उसी दिन इस जगह को सील करने के अहकाम जारी किए गए थे. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एक टीम आज झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करेगी. ईडी के एहलकार रांची में वजीर आला की रिहाइश गाह पहुंचेंगे और इस घोटाले के बारे में वजीर आला से पूछताछ करेंगे. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब तक हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 8 समन जारी किए थे. 8वें समन के बाद वजीर आला ने ईडी टीम के जरिए पूछताछ के लिए रजामंदी जाहिर की थी. ईडी ने रियासती पुलिस हेडक्वार्टर को खत लिखकर हिफाजत इंतजामात को मजबूत करने को कहा है. ईडी ने पुलिस हेडक्वार्टर को लिखे एक खत में बताया कि 20 जनवरी को ईडी के एहलकार वजीर आला हेमंत सोरेन से उनके रिहायशी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ईडी के एहलकारों को पूछताछ के लिए आने और जाने के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और अमन व अमान में किसी भी तरह से खलल न पड़े. और इसी के पेश नजर रांची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं. 19वें नाबावस्ता तहरीक का सरबराह इजलास युगांडा के दारुलहुकूमत कंपाला में शुरू हो गया है. नाबावस्ता तहरीक के सरबराह इजलास में वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने भारत को आलमी दोस्त करार दिया और इसके अलावा एस जयशंकर ने कहा कि इस वक्त गजा में तनाजा सबसे बड़ी तशवीश है. इस इंसानी बहरान के मुस्तकिल हल की जरूरत है. वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी और यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल है. एस जयशंकर ने बैनुल अक्वामी इंसानी कानून के एहतराम की अहमियत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को हमेशा बैनुल अक्वामी इंसानी कानून का एहतराम करना चाहिए. दो रियासती हल फिलिस्तीनी इसराइल पर भारत के मौकफ को दोहराते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हतमी नतीजे के लिए हमें दो मुल्की हल की तरफ काम करना चाहिए. एस जयशंकर ने 19 जनवरी को शुरू होने वाले दो रोजा 19वें नावाबस्ता तहरीक सरबराह इजलास में भारतीय वफद की क्यादत की. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सर्बिया के वजीर खारजा एविका डेसिक से मुलाकात की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए एस जयशंकर ने लिखा कि हमारी दो तरफा शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई और मुतालिका शोबों पर तजवीजों का तबादला भी हुआ. एस जयशंकर ने सर्बिया के वजीर खारजा एविका डेसिक से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया.
और आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने बहरीन के वजीर ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अजियानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाके में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए एस जयशंकर ने लिखा कि बहरीन के वजीर ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयान से मुलाकात कर हमेशा खुशी महसूस होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है और इस अवार्ड के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देने वाले 19 बच्चों का इंतखाब किया गया है। कौमी सतह का यह अवार्ड 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों को बहादुरी, फन व सकाफत, माहौलियात, इख्तरात, साइंस व टेक्नोलॉजी, समाजी खदमात और खेल जैसे 7 जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दिया जाता है। हर अवार्ड याफ्ते को एक मेडल, सर्टिफिकेट और एक किताबचा दिया जाता है। यह अवार्ड 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में मुनाकिद होने वाली एक रस्मी तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से पेश किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी 2024 को नेशनल चाइल्ड अवार्ड याफ्तगान से मुलाकात करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को यौम जमहूरिया परेड में भी शामिल होंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, यहां गुजरात फसादात के मामले में बिल्किस बानू मामले में कसूरवारों को कोई राहत नहीं दी गई है। 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुपुर्दगी के लिए वक्त में तौसी करने की कसूरवारों की अर्जी खारिज कर दी है और दलाइल को बेबुनियाद करार दिया है। आगे जान लेते हैं, जहां वजीर ख्वाजा डॉक्टर एस जयशंकर की मालदीव के वजीर ख्वाजा जमीर से मुलाकात हुई है। बाहमी ताल्लुकात और हिंदुस्तानी फौजियों के इनखला के मामले पर तबादला ख्याल हुआ है। आगे जान लेते हैं, जहां चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके जापान बना दुनिया का 5वां मुल्क। जापान ने भी अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आगे बढ़ते हैं, यहां बता दें आपको कि वडोदरा कश्ती हादसे में गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गई है ये बात और दस्तावेजी सबूत तलब किए गए हैं। वाजे रहे कि वडोदरा कश्ती हादसे का मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के सामने इस हादसे के बारे में आज खुद नोटिस लेते हुए ये मामला पेश किया है और हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त है जो तजवीज़ पेश की गई उसे कबूल कर लिया गया है और हाई कोर्ट ने दस्तावेजी सबूत मांगे हैं। बता दें आपको कि गुजरात में ये एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें झील में 18 जनवरी की शाम को 12 तलबा और 2 असातिज़ा डूब गए, जिनकी वजह से वो सभी जो बच्चे हैं और जो 2 असातिज़ा हैं उनका वो हलाक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ खबर मगरबी उत्तर प्रदेश से है, जहाँ मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरहम हो गई है और आगरा में भी 126 साल बाद इस तरह का ठंडा मौसम दर्ज किया गया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, और भारत के बाद अब जापान ने चांद मिशन के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जापान ने चांद पर खलाई जहाज कामयाबी से उतार कर तारीख रकम की है। जापान की खलाई एजेंसी के मुताबिक मून स्नाइपर रोबोटिक एक्सप्लोरर ने चांद पर कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसके बाद जापान अब अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाला 5वां मुल्क बन गया है। ताहम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाजा ने खदशा जाहिर किया है कि इसका चांद मिशन कबल अज वक्त काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि खलाई जहाज का सोलर सेल बिजली पैदा नहीं कर रहा है और इसे लैंडर से सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इसकी बैटरी की ताकत महदूद है और ऐसा अंदेशा है कि यह सिर्फ चंद घंटे ही चलेगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे एडिशन का अफ्तिताह किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार जनूबी भारत में मुनाकिद हो रहे हैं। ये खेल तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में 31 जनवरी तक मुनाकिद होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जमीनी सतह पर खेलों की तरक्की को फरोग देने और उभरती हुई खेलों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में एक इंतहाई फायदेमंद पहल समझी जाती है। आई डिक्लेयर खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ओपन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे एडिशन का चेन्नई में आगाज हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनाकिद शानदार इफ्तिताही तकरीब में इन खेलों का इफ्तिताह किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में दिलकश सकाफती पेशकश देखने को मिली। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की कोशिश के मुस्बत असरात जमीन पर भी नजर आ रहे हैं। पीएम ने खेलो इंडिया पहल के फवायद के बारे में भी बात की। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने खेलों से मुतालिक शोबों को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद इकदामात किए हैं। पीएम ने कहा कि 2029 में यूथ ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए काम किया जा रहा है। वजीर आजम ने खेलों की सिमत में खुद इन्हेसारी के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जिक्र किया। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसका सीधा लाभ हमारे युवा साथियों को होगा। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बने। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये खेल नौजवानों को एक नई जहत देंगे। These games are about pushing boundaries and embracing the spirit of youthum. The thrill of squash making its debut in the Khelo India Youth Games, and in this edition, the ancient glory of silambam showcased as a demo sport. Khelo India Youth Games की इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि, तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन, रियासती वजीर खेल निशिकांत प्रमाणिक और तमिलनाडु के वजीरे खेल उदय निधि स्टालिन भी मौजूद थे। ओलंपियन शरद कमल और शोभा वेंकटेशन ने खेलों की मशाल वजीर आजम को सौंपी। खेलो इंडिया के छठे एडिशन में 5,600 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ी 26 खेलों में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है कि जब जनूबी भारत में इन खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में 31 जनवरी तक खेलों के मुकाबले मुनाकिद होंगे। इन खेलों का मकसद जमीनी सतह पर खेलों को फरोग देना है। इफ्तिताही तकरीब में 1500 रक्स के जरिए खेलो इंडिया तमिल तराने पर एक शानदार पेशकश तवज्जो का मरकज रही। इंडिया को मद्देनजर रखते हुए भारत का आगे का विजन 2036 को ओलंपिक्स को होस्ट करना और साथ साथ भारत को ओलंपिक रेडी बनाना भी अब है भारत का मिशन। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत भी कैसे बना जा सकता है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ दीपिका महतो, DD News चेन्नई।
और खेल की खबरों में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज इस जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा और इससे पहले कल भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में एकतरफा तौर पर जीत हासिल की थी। चिराग और सात्विक की जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क की पांचवीं सीड याफ्ता जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने यह मैच सिर्फ 35 मिनट में 21-7 और 21-10 से जीत लिया और सेमीफाइनल में पहुंच गई। मर्दों के सिंगल में भारत के एचएस प्रणय ने भी टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने चीनी ताइपे की वांग जो वई को 21-11, 17-21, 21-18 से शिकस्त दी। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत, आदाब। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति